आदिवासी जिहड़े ने ओह तेल वेचदे नज़र आते हैं और कहा जाता है कि तेल दे नाल तुहाडे बाल जिहड़े ने ओह आने शुरू हो जाएंगे और बाल इन्ने के लंबे हो जाएंगे कि जमीन टच करेंगे। कई लोग नकली ले लेते हैं, सच्चाई जाने के लिए हमारे शहर में आते हैं। कोई भी ब्रांडिंग करता बाल दिखाता है साथ में और बोलता है कि हम भी प्योर बना रहे हैं, जड़ी बूटी है इसमें। सत श्री अकाल, माई पंजाबी टीवी तुसी देख रहे हो तो मैं हाँ जय वर्मा। सोशल मीडिया से कई तरह के आदिवासी जिहड़े ने वो तेल वेचते नज़र आते हैं और कहा जाता कि तेल दे नाल थोड़े बाल जिहड़े ने वो आने शुरू हो जाएंगे और बाल इन्ने के लंबे हो जाएंगे कि जमीन टच करेंगे। पर आखिर वो किन्ने क काफ़ी लोग जिहड़े ने वो प्रमोशन करते हैं आदिवासी का लेबल ला के, पर उन्होंने कई लोग जिहड़े ने वो फ्रॉड होंगे ने। आखिर वो पहचान किद्दां हुंदी है, रियल की पहचान किद्दां हुंदी है, ये आदिवासी तेल है की चीज़, केड़ी केड़ी जड़ी बूटियां इहदे विच पैंदियां ने, किस तरह तैयार किया जाता, किन्ना क समा लगता है, तो उस तो बाद असल दे विच तुहाडे बाल आने शुरू हो जाते हैं, असल दे विच बाल तुहाडे इन्ने वड्डे हो जाते हैं। सारी गलबात करांगे इन्हां दे नाल, हर एक गलबात दे जवाब लवांगे। ये कर्नाटक तो पूरी फैमिली पहुंची हुई है और इधर मोहाली मेले दे विच गलबात कर लैने इन्हां दे नाल। सर पहले सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमानुएल है, मैं कर्नाटक मैसूर से आया हूँ। हम पूरा फैमिली आए हैं, ये मानी भाई है, मेरी बहन है और सुजाता है, हम पूरा परिवार आया है। यहाँ के गोपीराज जो है, हम परिवार इधर आए हैं मेले पे। सर सबसे पहले मेरा वही सवाल है, आपने फोटोज़ आपने भी लगाई हैं, ये बड़े बड़े बाल हो जाते हैं और जिसके बाल नहीं बढ़ रहे होते, हेयर फॉल हो रहा होता है या किसी को बाल जल्दी बढ़ाने हैं, वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और इस चीज़ का फ़ायदा लोगों ने लिया जो लोग फ्रॉड तेल बेचते हैं, आदिवासी का लेबल लगा कर बेचते हैं और बाजार में कम से कम भी 50 से 100 तरह के आदिवासी तेल बिक रहे हैं, असली कौन सा नकली कौन सा है? सर जी, वो जो अब मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो अन्य वेबसाइट पे बेच रहे हैं, हमारा नाम लेके हमारे फ़ोटो का सिर का फ़ोटो दिखा के उसको फेक आता है। जो भी तेल कर्नाटक मैसूर से आता है, जिसके ऊपर फ़ोन नंबर एड्रेस डिटेल्स रहता है, वो पूरा ओरिजिनली आता है। बस एक रुपया है कि आप ऑनलाइन से मत खरीदो, हमको फ़ोन करो, हमारा जितना भी नंबर होगा डिस्प्ले बैनर पे होगा या बॉटल के ऊपर हम देंगे, आप वीडियो कॉल करके देख सकते हो। ये जो तेल है क्या काम करता है, जो जो जड़ों से झड़ने वाला टूटने वाला बाल रुकाट करके बाल घना करेगा, ग्रोथ करके नया बाल उगेगा। जेंट्स के लिए आधा लीटर लगाना है, लेडीज़ के लिए एक लीटर लगाना है। अगर एक लीटर लगाएंगे ना तो बाल इसी प्रकार से घने, ग्रोथ डाट करके मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो 108 प्रकार का जंगल का जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। लगाना कैसे, हफ्ते में 3 बार लगाइए, रात को सोते समय लगाइए, सुबह उठ के धो दीजिए। 45 एज के अंदर सफ़ेद बाल होगा तो भी रिवर्स हो जाएगा, जो भी बालों के अंदर परेशान है जड़ से इलाज करेगा। इसमें जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी डलती है और कैसे तैयार की है? इसमें जो होता है, हम 12 से 13 घंटा पकाते हैं जड़ी बूटियों से, या अन्य जड़ी बूटियाँ होते हैं ब्रह्मी, भृंगराज, कईवर्णी, कटिका, दासवाल, गोटपोट, उसको गुवारफट बोलते हैं। और इसमें अन्य प्रकार का जड़ी बूटियाँ रहते हैं, सूखी और हरी प्रकार की रहते हैं, इसी जड़ी बूटियाँ रहता है हमारे में। ये जड़ी बूटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सर ये सब जो होता है, हमको पहचान रहता है, हम जेके लेके आके हम बनाते हैं घर में, खुद हाथों से बनावट करते हैं। ये एक बॉटल लगाएंगे ना, जहाँ पे जड़ होगा, जड़ के अंदर से नया बाल उगने में शुरू हो जाएगा। जहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया है वहाँ पे बाल नहीं आ सकता वापस। जहाँ जड़ है, जहाँ पतलापन में जड़ है, वहाँ पे नया बाल आ जाएगा। ये एक बॉटल जेंट्स लगाने से बालों में जो भी परेशानी है, इसी प्रकार से बाल घने, ग्रो, डाट रहेगा। ये जो खुद हम इस्तेमाल करने के बाद कस्टमर को देते हैं, मेले में आके प्रचार करते हैं, और इसी के कारण से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमको अट्रैक्ट होकर हमको देखने भी आते हैं, उसी का फ़ायदा उठा के फेक बेचा जा रहा है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो आ रहे हैं उसमें देखो खर्चा काफ़ी होता है, काफ़ी ब्रांडिंग हो रही है हर एक सेलिब्रिटी। अभी जो 2 साल से पहले हमारा जो ओरिजिनल तेल था, ऑनलाइन में हम आते थे, जो लेके लगाया होगा वो कस्टमर, जो भी सेलिब्रिटी से अच्छा रिजल्ट आया है तो उन्होंने क्या किया, लेने के लिए आया है। कई लोग नकली ले लेते हैं, सच्चाई जाने के लिए हमारे शहर में आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमको उनको पैसे दे बुलाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे तेल से अट्रैक्ट होकर हमको हमारे विलेज देखने के लिए कई बार आते हैं, लेके जाते हैं हमारे पास लेके। ब्लॉक विलेज है आपका? कर्नाटक है, पक्षीराजपुरा, मैसूर, नेल्लूर, पाड़ा पोस्ट, उधर हमारा गाँव है।
वहीं से हम आता है। जो तेल कर्नाटक से आता है ओरिजिनल आता है, जो तेल ऑनलाइन पे अवेलेबल है 170 का, उसको फेक आता है, उस पर कोई ये नहीं है, उसमें कोई चांसेस ही नहीं कि वो हमारा तेल है। हमारा जो तेल रहता है ऐसा नंबर रहता है हमारा तेल पे। इसकी शुरुआत किसने की, इसको इन्वेंट किसने किया, इसको बनाया किसने? ये जो होता है हमारा पारंपरिक से बनाया गया है, ये अभी नहीं है, यहाँ का नहीं है, ये जो हमारे दादा उसका परदादा थे उनका, हम आदिवासी लोगों के बनाने के तकनीक अलग है, बनाने का तरीका अलग है, उस जड़ी बूटियों से उसी तरीके से हम लगाने के बाद, हमको बाल बढ़ने के बाद कई कई लोगों पे घर पे जाके हम देते थे, देने के बाद में हम बाद में वो ऑर्डर आने शुरू हो गए, सोचे कि वीडियो बना के बेचे, तो वीडियो बना के हम डाले, वो थोड़ा वायरल हो गया, बाद में नकली प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। तो नकली प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सर वो जो छत्तीसगढ़ से आता है, नहीं तो वो सब कहते हैं गुजरात से आता है, जो प्रोडक्ट कर्नाटक के अलावा किधर से भी आता है वो सब फेक प्रोडक्ट है, कर्नाटक से आता है वो ओरिजिनल है। आप बनाते हो तेल? जी हम ही बनाते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें और कब से बनाना शुरू करा आपने, और मेन चीजें कौन सी होती हैं जिसके करके बाल काले भी हो जाते हैं और जड़ से आने शुरू हो जाते हैं? सर बाल काला करने वाला तो छोटी उम्र वाले बच्चे को होता है ना, तो छोटी उम्र का बाल नहीं होते, वो सफेद बाल आ जाते हैं, छोटे बच्चे लोगों को आ जाता है, तो उनको लगाने से काला बाल आ जाता है। जो 40 उम्र वाले रहते हैं 50 होते हैं, उनको उम्र का बाल तो होता है, वो अपने उम्र का बाल सफेद बाल आ जा ही जाता है वो। इसके लिए सर वो सफेद बाल के लिए छोटा बच्चे को लगा सकते हैं सर, जड़ से काला बाल करेगा, छोटा बच्चों को यूज कर सकते हैं, उम्र का बाल नहीं होता है वो। कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसमें डालते हो? ओके सर, इसमें भृंगराज, नीलांबरी, जटामासी, आमला, शिकाकाई, गोरपोर, रतनजोड़, ब्रह्मी, कईवुंडी, गोरपोर, रतनजोड़, पूरा दल के हम खुद ही बनाते हैं। कितनी जड़ी बूटियां डालते हैं सर? इसमें 108 जड़ी बूटी है, लेकिन सूखी प्रकार का हरी प्रकार का जड़ी बूटी पूरा दल के हम पूरा हंडा में बनाते हैं। उसमें 12 घंटा टाइम लगता है बनाने में, ऐसा अदा करते हैं उसको। अच्छा, सारी जड़ी बूटियां डालते हो? डालते हैं। उसके ऊपर उसको टब में रख के बड़ा, हाँ। उसको सेक देते हो फिर? नहीं सर, वो पूरा बना के एक बार रखते हैं, तेल निकाल लेते हैं, वो मटकी में डाल के अदा करने के लिए रखते हैं हम एक जगह पे, वो ऐसा ही, और एक जड़ी बूटी वैसे ही रहते हैं दिखाने के लिए। हमारे कैसे कितना जड़ी बूटी डालते हैं पूरा हमारा डिटेल्स रहता है हमारे दुकान पे। तो क्या क्या क्वांटिटी होती है उसकी जड़ी बूटी की, क्योंकि कहीं कई जड़ी बूटी को ज्यादा डालना पड़ता होगा, कहीं वो कम डालना पड़ता होगा? सर भृंगराज, नीलांबरी ज्यादा डालना पड़ता है। कितने एक बारी में कितने कितना तेल बनाते हो? बनाते कैसे है देखो, अगर हम अंदाज से लेंगे तो भगोने में उस प्रकार से हमको बता है कि हम कितना डालना है, तो उस प्रकार अगर मान लो कि 20 लीटर तेल बनाना है, 20 लीटर तो कितने क्वांटिटी, तो उसमें 200 ग्राम 250 ग्राम डलेगा जड़ी बूटियाँ, सब जड़ी बूटियाँ। अगर 1000 लीटर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा जल्द लगता है। 20 लीटर में कितनी, 250 ग्राम? 20 लीटर में बनाना है तो आधा केजी का अपना ये ले सकते हैं, सूखी जड़ी बूटी का भी ले सकते हैं और हरी जड़ी बूटी ज्यादा लगता है। अपना वजन प्रकार अंदाज अपने डाल के पहचान में रहते हैं ना, बचपन से हम बनाते हैं ना। जड़ी बूटी कौन सी होती है जो बाल स्ट्रोंग करती है, बाल को जड़ से आने लग जाते हैं, जड़ने बंद हो जाते हैं, दो तीन वो कौन सी? वो दो तीन है, भृंगराज, नीलांबरी, जटामासी, आमला, शिकाकाई, गोरपोर, रतनजोड़, ब्रह्मी, कईवुंडी। हर एक चीज प्योर मिलेगी, हर एक जड़ी बूटी उतना स्ट्रांग रहता है। बाकी के जड़ी बूटी होता है दो मुखा बाल को सिल्क करना और सफेद बाल को काला करना, छोटी बच्चों को वैसा होता है, बाल घना करना, ग्रोथ होना, वो बाकी के जड़ी बूटी डालने से पूरा बालों के लिए मजबूत करना। वो बाल होते हैं वो कैसे खत्म होते हैं, उस वो कौन सी जड़ी बूटी खत्म करती है? वो जड़ी बूटी अभी बताई ना सर, में ब्रह्मी होता है वो, ब्रह्मी, हाँ नीलांबरी, वो सिल्क करता है, नाइस करता है बालों के लिए, शाइनिंग करता है, वो अच्छा आता है उसमें। हर जड़ी बूटी भी ओरिजिनल आती है, लेकिन बालों के लिए कौन सा लगेगा पूरा आता है। डैंड्रफ के लिए भी होता है भृंगराज, और ग्रोथ भी करेगा, डैंड्रफ भी खत्म करेगा भृंगराज। मिल जाता है आपको ओरिजिनल? क्योंकि ओरिजिनल चीजें मार्केट में मिलनी तो बड़ी मुश्किल हो चुकी है आज के टाइम। मार्केट में तो बिल्कुल ही जड़ी बूटी मिलती नहीं है, मार्केट में ओरिजिनल मिलती नहीं, लेकिन हम हरी जड़ी बूटी पूरा लेके जाते, सूखी जड़ी बूटी से हरी जड़ी बूटी ज्यादा डालते हैं हम। पर आपके यहाँ तो नकली तेल बहुत बेचा जा रहा है, कोई भी ब्रांडिंग करता है, बाल दिखाता है साथ में और बोलता है कि हम भी प्योर बना रहे हैं, जड़ी बूटी है इसमें, तो असली नकली की पहचान कैसे है? हमारा जो रहता है ना, देखो आदिवासी हक्की पिक्की कॉलोनी, पस्ट पक्ष, राजपुरा, नेल्लोर, पाला पोस्ट, कर्नाटक स्टेट में, अन्य जगह भी हमारे आदिवासी लोग है, जैसे बेंगलोर में है, आगरे में है, मंडिया में है, कर्नाटक से जो प्रोडक्ट आता है वो ओरिजिनल ही आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट जो आता है कर्नाटक से आना है, और जो आप बात करेंगे नंबर रहेगा तो वीडियो कॉल करके उसको देख सकते हो सामने आदिवासी है या दूसरा है। ऑनलाइन पे ऐसे ही आप क्लिक करके मंगाने से फेंक ही आता है,
तो आप सामने बात करना, वीडियो कॉल करके देखना हमारा दुकान पूरा देखना। हमारा दुकान तो पूरा दुनिया को हम दिखा चुके हैं, इंटरनेट पे पूरा आदमी आगे देख के जा रहा है। ये भैया कौन है? ये भैया सुदेश है। अच्छा। सुदेश बोलते हैं, वो जो मेरा जो वाइफ का जो बड़ा भाई है वो। अच्छा। जी उसको क्या बोलते हैं अब मेरे को नहीं पता है, खाड़ा बोलते हैं हमारे में, खाड़ा। अच्छा। वो हमारा बड़ा है। अच्छा। जी तो सुदेश है। ये भी ये तेल बनाते हैं मेन? ये हम सब एक ही जगह बनाते हैं सर, इनका गुरु हमका गुरु एक ही है, हम पूरा फैमिली है, जड़ है हमारा। तो इसकी शुरुआत किसने करी? कोई आपके आपने बोला कि पुश्तैनी चल रहा है, पर पुश्तैनी चल रहा है तो इससे शुरुआत किसने? बसप्पा है, बसप्पा करके है, मेरा नाना है। अच्छा। इनका भी बड़ा नाना, वही फर्स्ट फाउंडर है इनका। अच्छा, अच्छा। उस दुनिया से उन्होंने एक इसमें लिख के बताया था कि इसे इतना जाने, उस प्रकार से हम बनाते आते। बसप्पा बोलते वो बहुत बड़े आदमी है, वही है हमारे में बुजुर्ग हैवी हेल्ड, वही बनाने सिखाया सबको। तो आपके पूरे गाँव में कहीं हेयरफॉल नहीं हुआ बड़ा किसी को? हमारे तेल लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लगाइए, लगा के देखिए और बाद में आप रिव्यू भी डालना, आप लेके जाके लगाइए, नेक्स्ट रिव्यू भी डालिए, आपको बताए नेक्स्ट कस्टमर को बताए कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। सर जो बैनर में खड़ा है ना, आपके सामने हम खड़ा है, ऐसा नहीं कि बैनर में कोई है हम कोई है, इधर आपके सामने खड़ा है, बनाने वाले खड़े है, आप इधर से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आदिवासी, आखिरी सवाल है मेरा, आदिवासी का बेस बना कर काफ़ी लोग बेच रहे हैं और लोगों को ट्रस्ट इश्यू हो जाता है कि यार के सही कौन सा है बुरा कौन सा, एक बार सही बंदे को बोलता बंदा कि नहीं लेना है यार। कस्टमर जो है ना जो दिखता है वही ले लेते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले कस्टमर जो है वही सही ले लेते हैं, कई आजकल फेसबुक पे बाय वन गेट वन आ गया है। जो प्योर आदिवासी तेल है वो ऑनलाइन कहीं नहीं मिलता है, आप हमको एड्रेस भेजना हो। मेला में देखा और भी स्टॉल लगे आदिवासी के नाम से, लेकिन इतना डिटेल्स नहीं लगाया है, वो सिर्फ आदिवासी करके रखा है बस, हमारे नाम पर वो भी रखा है, वो फेक आता है, वो फेक है। आप हमसे बात करके लेने से, हमसे देख के लेने से ट्रस्ट, आप डायरेक्ट बात करने से कोई इतराज नहीं है, आप वीडियो कॉल करके भी हमको देख के ले सकते हो, तो जीनियन ही आता है। जो फ्रॉड है उसने तो ले लिया, उसके बाद कौन वीडियो कॉल कर, ये वीडियो ले लेगा वो, इसका नंबर हटा देगा, एडिट कर देगा, बट मैं वीडियो कॉल करने से नहीं दिखूंगा ना, तो वीडियो कॉल में नंबर कौन सा है, नंबर करके आप देख सकते हो इस नंबर पे, हमारा चेहरा लेके देखो, ये सब हमारा परिवार है, परिवार है हमारा, दुकान है, आप वहाँ पे देखो, वीडियो कॉल करके देख के लो। कर्नाटक फ्रॉम जो एड्रेस आता है पार्सल के ऊपर, कर्नाटक से मेंशन होना है, वही ओरिजिनल आता है। कर्नाटक के नाम रहना चाहिए, कर्नाटक में आदिवासी छोड़े तो क्योंकि किधर भी नहीं है, जो कर्नाटक बनता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। अब सारे जो फेक बेच रहे हैं और बेच रहे हैं वो भी कर्नाटक का ही नाम लेते होंगे, वो भी ऐसा करोगे। अब देखो इसके ऊपर, उनके ऊपर कर्नाटक के नाम होएगा ही नहीं, कर्नाटक का नाम नहीं होगा, इसके ऊपर हमारा फोटो रहता है, बॉर्डर के ऊपर नहीं, इतना डिस्ट्रिक्ट का नाम, तालुका का नाम ऐसा लिखा हुआ होगा, आप चेक पर चेक करो, पिन कोड नंबर पूरा दिएगा नहीं वो लोग। जो छत्तीसगढ़ वाला है वो मतलब फेक है, आदिवासी के नाम पे पूरा पानी बेच रहे, वही ज्यादा चल रहा है, फ्लिपकार्ट मिशो अमेजोन पे फेक बहुत सारा चल रहा है सर, आदिवासी के नाम है। कि फ्लिपकार्ट अमेजोन कस्टमर से एक बार बात करो, आदिवासियों से, आपका बाल झड़ चुका होगा दूसरी बार, क्योंकि हमारे पास एक कस्टमर का वीडियो आया था जिनका बाल भी झड़ गया है पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो भी, जो उनका बाल ही नहीं है, जो लगाया था वो भी झड़ गया है, वैसे कस्टमर को विनंती है आप हमको बात करके ले लो, आपको ओरिजिनल ही मिलता है। देखो देखिए बिल्कुल गलबात की और ये वीडियो भी तुसी देख रहे हो कि कई जगहों ते आदिवासी के नाते गलत तेल फेक तेल जेड़ा बेचा जा रहा और इन्होंने भी ताही गल करन दा मेरा यही तर्क सीगा कि आकर उदी पहचान की हुंदी है, जेड़े असल आदिवासी तेल है उदी पहचान की है, किदा असी सही गलत दे विच फर्क देख सकते हैं, की जड़ी बूटियां होंदियां ने, किदा बाल जड़े ने उन्हां दी रीग्रोथ हुंदी है, तमाम गलबात करन दी कोशिश की है, तो सारी गलबात नूं लैके तुसीं की सोचते हो सानूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके जरूर दस्सो।